पांच चॉइस, एक जावा और रह गया हमारा, रॉयल एनफील्ड, केटीएम, जावा, बीएमडब्ल्यू और निंजा। इसमें आपको जो मन करेगा आप बताना, जो आपको अच्छे लगते बताना, हम वो ही लेंगे। भाई मैंने बुलेट बुक कर दी है। बटरफ्लाई वो खत्म नहीं होती यार। एक तो जब मैं लेने जा रहा था उस टाइम पैसे लग रहे थे मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मतलब ऐसे उधर तो धक 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 हो रहा है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, फोन खराब हो गया, अभी दिखाता हूँ क्यों। पहले आप देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है, एंड आई होप आप सभी लोग ऐसे अच्छे रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, मम्मी पापा सब बहुत खुश रहे, हमारे प्रोड्यूसर हमेशा आपके साथ है। एंड सी कितनी प्यारी सी बारिश हो रही है, ओहो हो गड़ा 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 गड़ा। और अभी हम लोगों को एक बहुत मस्त जगह जाना है, पता है क्यों, मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा होगा शायद मेरे फ़ोन में ये एक ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये ब्लैक डॉट, ये देखो ये ब्लैक डॉट, ये मेरे कैमरे के अंदर आ चुका है और इसने पूरा कैमरा घेर लिया है, ऐसे मेरे साथ घूम रहा होगा। बिकॉज सीन क्या है, मैं कैमरा नहीं यूज़ करता, मुझे आईफोन का कैमरा इतना गजब लगता है, एक तो हैंडी लगता है, पोर्टेबल लगता है, मेरे पास गोप्रो भी है, बट इसका कैमरा ना बड़ा कांडी है यार, मतलब जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ ना मेरे लिए सफिशियंट है। आप मेरी वीडियोज उठा के देखोगे, उसमें सिनेमैटिक्स देखोगे, जो भी देखोगे भाई, जिंदगी में कष्ट कम नहीं है। ये देखो पूरी भीग चुकी है, अच्छा हमारी गाड़ी पूरी भीग चुकी है, इसका साइलेंसर तक पानी आ गया, दिखाऊं चाबी कहाँ इसकी, ये रही ठीक है, फाइनली यहाँ तक पहुँचना है, भाग के भाई जिंदगी में कष्ट कम नहीं है। इधर डाक डाक, ओ माय गॉड बहुत तेज हो रही है बारिश, तो शेट मैन जूतों में पानी चला गया। ये देखो क्या हो रहा है, उसके लेंस में ना बूंदे टपक रही हैं, टप 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 टप। ये देखो इसे जंगली पिल्ली को, इसको इसकी प्रोटीन बोन चाहिए, उसके आगे इसको कुछ नहीं चाहिए। ये वाली रही, अच्छा ये रही, इसको लग रहा था मैं उठा रहा हूँ, ये देखो इस पैर लगाओगे ना इसको उठा रहा है, वापस रखो अपने पास, कह रहे नहीं हमें इसे खाएगा, पता है ऐसी इकलौती ऐसी ब्रीड है लेब्राडोर, अगर आप इसके मुंह से खाना लेते हो तो इसको फर्क नहीं पड़ता, इज लाइक चिल्ला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वापस दे देगा, खाएगा तो है नहीं, ही नोज़ कि मैं तो इसकी बोन खाऊंगा नहीं। ये देखो ये छाता से खेल रहा है, मस्त बेहतरीन, अब मैं छाता खोलूंगा तब देखना इसको। अरे हेलो पिचक गया, अटैक कर रहा हूँ, अटैक मोड फिर पूरी रेस वन दिन अगेन वी हैव प्लान्ड समथिंग बिग आप लोगों के लिए, बहुत बेहतरीन कुछ अपन लेके आने वाले हैं। भाई ये मजा जिंदगी का, सड़क पे एप्पल केयर ढूंढ रहे हैं, जहाँ जहाँ था सब जगह बंद। भाई देखो हम लोग यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ हमें एप्पल का शोरूम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं एप्पल क्यों चेंज करता रहता, हम इतने जल्दी आईफोन चेंज नहीं करते जितने जल्दी ये लोग शोरूम चेंज कर लेते हैं। तो भाई वी आर इन एप्पल केयर, तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है, क्या बोलने वाले हैं। इससे रिकॉर्डिंग करनी है हमें, इससे एक सेकंड दिखाइए, ये 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 डिजाइन बनवाया तो और ये रहा ना ये डॉट अभी आ रहा है, तो भाई मैं बताता हूँ आपको सीन क्या है, बस ठीक हो जाए बाकी कुछ नहीं है, फ्रंट कैम ठीक है, बैक कैम में बस गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है भाई, बैकग्राउंड इतना बढ़िया लग रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, बढ़िया सुंदर टेम्पर अभी लगाया था कुछ डेढ़ एक साल पहले ही परफेक्ट। बाकी मैं यहाँ खड़े होकर डिस्कस कर रहा था कि एक और बाइक का ना कुछ देख के आते हैं, अभी हम लोगों को पता आपको कि हम बाइक रिसर्च करने में लगे हुए हैं, तो लेट्स सी कि मन तो स्पोर्ट्स बाइक पे जाने का है बहुत जोर से, बाकी चेक करके आते हैं, एक हिमालयन और दूसरा मेरे को पसंद है केटीएम थोड़ी सी, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं केटीएम बेकार है, बुलेट बेकार है या बीएमडब्ल्यू की बाइक बेकार है ना, अगर पसंद आ गई तो आप भी बताना व्लॉग में कौन सी अच्छी है, क्या देखते हैं हिमालयन देखते हैं, हिमालयन चलते हैं और मुंह तो धो लेता नहीं है, मैं नहाया भी नहीं, पसंद जो मुझे है ना वो है केटीएम आरसी 8 क्या कह रहा है आरसी 8 हाँ भाई मेरे भाई मेरे से ले जियो क्या दिक्कत आ रही है वो मतलब एक भाई अपन केटीएम के शोरूम में तो आ गए, यू कैन सी दिस लोकेशन, बाकी देखते हैं क्या सीन है, इनके पास दो तीन बाइकें तो हैं।
एंड सी गाइस, दिस इज KTM 125 ड्यूक और इसका जो प्राइस है ना नियर अबाउट 198 और 2 लाख के करीब है. एंड दिस इज KTM अगेन 200 ड्यूक एंड वी हैव 250 एंड 390. ये चारों प्राइस आते हैं तो इनका जो प्राइस है ना वो 2.5 लाख से 3 लाख तक ऐसे वेरी करता है सारी सारी बाइक का. बट जो मुझे पसंद है दिस इज KTM RC 125, ये नहीं 390 भाई, 390. वी हैव KTM RC 200 और 200 ना ये हमारे सामने सेल हुई बोले तो इसका भी प्राइस 2.5 लाख के करीब है. ठीक है ये, बट 390 इज समथिंग मशीन भाई, मतलब फील होना चाहिए ना वैसा वाला. तो मैं इस रेंज में ढूंढ रहा हूँ 390 वाली रेंज में भाई. आपको भी पता हो तो बताना. अगेन वी हैव 250 एडवेंचर और 390 एडवेंचर. दिस इज व्हाट 390 लुक्स लाइक जिसपे मैं अभी बैठा हूँ. दिस वन इज 250 आरसी 200 एंड ये तीन बाइक है इनके पास, बाकी और मॉडल नहीं है. बट ये बताएंगे तो सही कि कौन कौन सी बाइक कैसी होने वाली है. जाइए सामने. ये आज बिना तैयार हुआ है इसको मैं उठा के लाया हूँ ना, फोन खराब होने के चक्कर में धक धक हो रहा था. मुझे लगा कि वो फोन सही करेगा या नहीं. हाँ तो भाई अपन ने देखो KTM तो देख ली, बाकी एक बार रॉयल एनफील्ड और देखते हैं. तो मैंने पूछा कि इसका अगर निंजा से कंपैरिजन देखें, लाइक सेम रेट है, सेम सारी चीजें, 390 वो है, निंजा 300 है. तो ही वाज लाइक कि सर निंजा इज पैरेलल टू निंजा ना, डुअल. बस वही बात सबकी ना खत्म हो जाती है. दैट मींस पैरेलल टू सिलेंडर, दो सिलेंडर कहते वो सुपर बाइक है भाई. मैं एक चीज बताना भूल गया यार, अभी हम एप्पल शोरूम पे गए थे ना, तो दो बंदे भाई आए कहते ये हमारा फोन है, हमारी फेसबुक और व्हाट्सएप की स्टोरी अपडेट नहीं हो रही है. आई वाज लाइक ये मतलब एप्पल पे आके दिखाने वाली बात है, ये कोई फोन में प्रॉब्लम हो तो समझ में आया. मतलब ऐप पे स्टोरी अपडेट नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही और उसके लिए एप्पल शोरूम आया भाई. वो यो सर्विस सेंटर वाला कहता वो तो रही है, पंडित जी आते ऐसे करते हैं. तो भाई आई एम इन द शोरूम ऑफ बुलेट रॉयल एनफील्ड, देखते हैं यहाँ क्या सीन है. बाइक तो सुंदर लग रही है नो डाउट. मेरे को सिर्फ यही पसंद आई थी पहले, दिस वाज एक्स लाइक थंडरबर्ड एक्स आई थी, अभी मीटियोर 350 कर दी है. स्पीडोमीटर एक ही आता है, देखा आंख काणी हो गई है उसकी. हां ये भाई यहां पे वी हैव हिमालयन 350 मीटियोर, ये नई वाली थ्री मैंने ये चलाई थी 350 ना दोस्त की, बट इसमें वाइब्रेशन बहुत कम कर दी. दिस इज अमेजिंग गुड. और ये मेरे को पहली ही दिखी है भाई, ये तो बहुत प्यारी लग रही है. बट इसका क्लच बहुत टाइट था, बहुत प्यारी लग रही है ना. ये वोलो जुमा केसरी जो चलाता है. एंड दिस इज कॉन्टिनेंटल जिसपे मेरा दिल आ रखा. हाँ ये इंटरसेप्टर है, कॉन्टिनेंटल नहीं है, इंटरसेप्टर. कॉन्टिनेंटल GT तो अलग है भाई, बंदे नहीं यहाँ पे तो दिखाने वाले, क्या करा जाए. अब मैं पूछूं कैसे, मैं बाइक पे बैठूं देखूं, कुछ तो दिखा दो, कुछ तो बताओ बाइक के बारे में. इसको क्या पसंद आया, ये दीवार पे लगा लेंगे ना घर पे, अच्छी लग रही है ना. ये आपकी बाइक में भी आधी आधी टंकी होती है, पूरी रहती है भाई. बाइक असेंबल कर सकता हूँ यहाँ खड़े खड़े, देख रहे हो भाई. मैंने बुलेट बुक कर दिया है, आप बताओ कैसी लग रही है. एकदम शोकेस में पैक है ये, एक नंबर. सुंदर ना देखो, इतनी खुशी मुझे. भाई आज पता नहीं क्या तो सीन था, इनके पास एक ही बंदा था पूरा शोरूम पैक. उसने भी ना बताने में ऐसे ऐसे मारे. देखो मेरे को 350 तो पसंद है नहीं, गाड़ी में बैठ के बताता हूँ. देखो यार अपने को 350 पसंद नहीं है इतनी, मेरे को पसंद आ रही थी इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल GT, वो 650 cc में आती है बेहतरीन. हिमालयन जो है ना 411 cc में है, और नई वाली जो हिमालयन का पार्ट है ना उसका नाम है स्क्रैम्प, और वो 400 दोनों 411 है. सेम सब कुछ बस उसमें थोड़ा ग्राफिक बदल दिया, उसका नाम रख दिया हिमालयन स्क्रैम्प. वो इसलिए रखा, उसके टायर छोटे कर दिए, थोड़ी सी नीचे कर दी. लाइक हिमालयन बहुत ऊंची और बहुत फैली सी है थोड़ी सी ना. इनमें आप बताना अगर कमेंट में आपको कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी आपकी प्रेफरेंस अच्छी है. पांच चॉइस, एक जावा और रह गया हमारा, रॉयल एनफील्ड, KTM, जावा, BMW और निंजा. इसमें आपको जो मन करेगा आप बताना, जो आपको अच्छी लगती है बताना, हम वो ही लेंगे. बात खत्म. भाई ये देखो पुलिस वाले अंकल को कहां चढ़ा दिया यहाँ. तो मतलब वो के प्रॉपर सिक्योरिटी होती है ना, एक नंबर सिक्योरिटी भाई. ये उसके लिए सिक्योरिटी बोले थे, यहाँ से अपने भोलेनाथ के भक्त कावड़िया आ रहे हैं. अभी पता मम्मी ने बोल दिया जोश जोश में आके, मेरी मम्मी ऐसे चिल रहती है ना कि अगर बाइक ले लेंगे ना तो कावड़ लेके आएंगे. और तक एक मिनट पॉज पॉज, मेरी मम्मी ने बोला बाइक से. मैंने कहा That's good. भाई हरिद्वार से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, अगर अंदर गजब की श्रद्धा है ना, गजब की श्रद्धा, तब आप पैदल आ सकते हो. लेकिन आ जाते हो ऐसा कुछ नहीं है, सारा भोलेनाथ के हाथ में है. ब्लॉग में से निकाल लेना, मैं ब्लॉग में डाल दूंगा. तो भाई वी गॉट सम बच्चे पाची और ये बहुत बिजी है नहाने में, देयर लाइक फोटो खिंचवा दो इसको ना, ऐसे स्क्रीन शॉट लेके आप निकाल लें. पग्स बनी द क्यूट बनी, ओके सॉरी सॉरी लगी तो नहीं. एंड वी गॉट वन मोर भाई, व्हाट्स योर नेम बड़ी, स्पर्श. तो आप ऐसे ना स्क्रीन शॉट ले लेना, आपको फोटो चाहिए तो मैं इसको डाल दूंगा. ठीक है. एंड भाई मन तो बहुत कर रहा है यहाँ पे स्विमिंग पूल नहाने का, इसमें हमने ना होली पे बवाल मचाया था, उसके बाद में अभी आया हूँ, है ना दोस्त. ये अपना भाई, ये अपना भाई, बट अभी यहाँ आएंगे, मजा आएगा. अभी तो यार टाइम नहीं है, फिर से देखते हैं. यहाँ में ना कैप लानी पड़ेगी यार हमारे पास ना, वी डोंट हैव दीज कैप्स. मेरे पास ना सब कुछ है, मेरे पास स्कूबा डाइविंग वाला भी है.
बट कैप नहीं है। 2000 years later. अगर आप चैनल बने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, चैनल वो लाल वाला बटन दबा दो। और इसके बाद ना हम बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी हैं, बहुत बेहतरीन चीज प्लान कर रखी है। तो पसीना ना इस कदर आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, नीचे गाड़ी में चलते हैं, सब्सक्राइब कर दो, बूम बाम चीज लेके आएंगे आपके साथ, क्योंकि एक जगह ऐसी प्लान कर रखी है ना, मजा आ जाएगा आपको, मजा। पता हमेशा टारगेट रहता है कि अच्छी वीडियो डालूं, ऐसे 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 शेक वेक ना हो और बस अच्छा काम हो, अच्छा काम लोग देखें। बाकी डेली वीडियो डालने के लिए ना थोड़ा सिनेमैटिक पे कंट्रोल करना पड़ता, बाकी सोसाइटी के बच्चे चिल्लाते रहते हैं भैया आज व्लॉग नहीं बना रहे, हमें भी व्लॉग में ले लो, हमारी शक्ल इतनी खराब नहीं है। हाय गर्मी इतनी, ओ भाई कैसा लग रहा है ना, जैसे वो नहीं होता कार्टून ऑरेंज कलर का जिसके दो पैर होते हैं और ऐसे ऐसे होता है। तो बाइक के साथ कंडीशन रखेंगे, अगर हमारे सब्सक्राइबर काउंट ऐसे बूम किए तो फिर हम और बेहतरीन बाइक लेंगे, अभी तुरंत ले लेंगे। और बताओ लोन पे लेंगे, लोन पे बोला जमीन है अपनी, मतलब जमीन तो ठीक है छोड़ो। एंड बारिश मस्त हो गई, अभी अपने कहाँ जाना है, भाई को एक को पिक करना है और फिर उसके बाद पहला टारगेट हमारा है जावा और हो सकता है एंड सी गाइस व्हाट वी गॉट, दिस इज कावड़। और कावड़ ने इतना प्यारा सीन है ना, मैं पर्सनली रिकॉर्ड करना चाहता था, मैं बाइक के चक्कर में थोड़ा सा फंसा हूँ, मेरा मन था कि मैं बाइक से कावड़ आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊं, आपको डीजे सुनाई दे रहा है, ये देखो देख रहे हो। और कावड़ का ना एक सीन होता है जिसमें आपको दिखाऊं, ये जो रखी हुई है ना, इसको कावड़ को कभी जमीन पे नहीं रखते, आपको लग रहा होगा जिस बंदे ने जमीन पे रखी है ना और नीचे ना ऐसे स्टैंड बनाया हुआ है, तो हमें जो पता है ना वो ऐसा कि कावड़, कावड़ के बारे में बहुत सारी चीजें पता है। मैं तब नीलकंठ महादेव हुआ हूँ जिस दिन कावड़ ऐसे शुरू होती है, ओ माय गॉड भीड़, मैंने हरिद्वार खाली भी देखा है बिल्कुल, और मैंने हरिद्वार बहुत भयंकर भरा हुआ भी देखा है। बाइक से कावड़ लेके आएंगे, बम बोले इस बार नहीं अगली बार, बुलेट अच्छी है उसके कुछ मतलब तारीफे करो, क्योंकि भाई पे बुलेट है तो थोड़ा बुलेट क्या तारीफ तो बनती है ना। बुलेट सिर्फ इसलिए पसंद नहीं थी, मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, बहुत वाइब्रेशन करती है, लेकिन अब वाली खत्म, तो फिर उसकी क्वालिटी भी तो गिरा दी ना, उसमें सरिया बचाना कुछ बचा, वेटिंग बहुत गंदी है, चेन्नई में प्लांट आता है, चेन्नई में बाढ़ आती है, छह छह महीने सात सात आठ आठ महीने की वेटिंग आ रही है। बुलेट में फायदा है, हिमालयन में फायदा है, या जीटी कॉन्टिनेंटल, सब में फायदा है, लाके घर में खड़ी कर लो, खड़ी रहेगी, ससुरा बेकार ही है। तेल डलवा के घर में खड़ी कर लो, और पैदल रिक्शे में घूमा है साले, मेरी भी जो 125 के आसपास उसकी टॉप स्पीड है बुलेट की, हाँ 110 115 के बाद तो ऐसा लगता है कि आप रह जाओगे बाइक चली जाएगी। ऐसे 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 आया ना बम, जैसे लगता बाइक गई। भाई अब अपना जो चैलेंज है ना वो है इस यसडी जावा तक पहुंचने का, बारिश देख रहे हो लेवल लेवल हो रही है बारिश। आप बताना मुझे जावा कैसी बाइक है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे एक दोस्त ने भी लिया है, तो मैं शायद उसे पूछूं। ये सेक्स से, अब मेरे को भी लियो, मेरे सुनहरे बाल गीले हो गए भाई, चाहता ले आया, देख ड्रामे कर रहा हूं, गिल्ला हो गया, जल्दी कर इधर कर ला, पहले मुझे दिखवा रहा है, अबे साले बहुत तेज है। और एक जावा स्टैंडर्ड है, बाकी जावा में बस एक पैराक थी, बट पैराक का ग्राउंड क्लियरेंस भाई निंजा से भी नीचे है, निंजा 300 जो मेरी फेवरेट है उससे भी नीचे है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, वो 150 होगी, तो ये 145 थी ऐसा कुछ, ओह माय गॉड 188 है ना इसका टॉप, क्या जाता है 140 यहाँ जो पराग है ना बस वो थी भाई, उसकी ग्राउंड क्लीयरेंस तो बहुत ही नीचे है ना, 140 भाई गाड़ी से बहुत नीचे, बेकार तो नहीं बोल सकते, बाइक बहुत प्यारी है यार, अगर आपको ऐसे रोड पे चलानी हो ना डग 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 करते हुए, की जो कभी कभार जा रहे हैं अपने मतलब शौक वाली बात है, कभी निकाल ली अपनी यहीं पे लोकल में चलाई थी, कह रहा मेरी का ग्राउंड क्लीयरेंस 220 है, समंदर में आ गया ऐसा लग रहा है, अंदर से ना नीचे ना ऐसा लग रहा है हमारे पिछवाड़े में पानी टक्कर मार रहा होगा, वही देखो बारिश है, आधा घंटे की बारिश, आधे घंटे की बारिश का सीन है यो, पेटे भाई मजा आ गया, भाई मजा आ गया, इसको ट्रक को देखियो क्या दावे जा रहा, ओ भाई साहब इसने तो पूरा झरने बना दिए। हम उधर से घर पे बैठे हुए हैं और मैं दिखाऊं, शुरू करते हैं भाई साहब से, ये भैया बैठे हुए यहाँ पे, मामी बैठी है, मम्मी बैठी है, मामा बैठे हैं, बहन बैठी है, और ये अपना आईफोन को शो ऑफ कर रही है जबरदस्ती, 6-7 साल पहले लेकर छोड़ दिया हमने, ज्यादा थोड़ी बोला 13 प्रो मैक्स बोला, शो ऑफ थोड़ी कर रही हूँ, ब्लू कलर है, शो ऑफ थोड़ी कर रही हूँ,
तीन कैमरे हैं, सियारा ब्लू, सियारा सारा का सारा ब्लू है। हमारे गुजरों बोलते ना जो सौरा ब्लू है ब्लू। मामा जी शॉप करेंगे। मामा जी कह रहे मेरा आईफोन भी देखो। अब मेरी वहाँ कहीं बैठ जाती है तो वो सिर्फ बातें करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं आसपास कोई बोले बात करे, डजन मैटर। गर्मी, धरती, पहाड़ों पे हैं, बर्फ में हैं, हवा चल रही है नहीं चल रही, डजन देखो आप देखते रहो ना, कोई मतलब नहीं उन्हें भाई।